नमस्कार, मैं रजनी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। बच्चियों की मौत के बाद गांव में पसरा रहा सन्नाटा, आक्रोश में रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य को किया बाधित। आदिवासियों के महापर्व सोहराय पर पोड़ियाहाट के अमवार मांझी टोला में पसरा रहा सन्नाटा। मालूम हो कि कल लकड़ी चुनने गई दो नाबालिग बच्चों की मौत गड्ढे में डूबने से हो गई थी। ग्रामीणों की माने तो रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य के दौरान यह गड्ढा बन गया था। इसको लेकर आसपास के सात आदिवासी टोला के आदिवासियों ने गड्ढा हंस दिया, रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य बाधित कर दिया, साथ ही गड्ढा पोड़िया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी इस कार्य का समर्थन शुरू कर दिया है। दोनों बच्चों के नाम पे 5-5 लाख रुपए की मांग की गई है और परिजनों की नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? इसमें हम लोगों की कोई मांग नहीं है। जो आम जनता जो है, अंबार गांव के जो निवासी है, अंबार का जो मंजी राम है, उस घर का लोगों का कहना है दोनों बच्चा पर 5-5 लाख रुपया पहुँचा दें और रेसी रेल कंपनी में उसको उसके पास उनको एक कंपनी। यूपी की लड़की को ढूंढती बसंतराय पहुंची दिल्ली पुलिस। मामला प्रेम विवाह का है। बसंतराय के रेसम्बा गांव में युवक ने यूपी के सीतापुर की लड़की से विवाह कर अपने गांव ले आया था, जिसे ढूंढती दिल्ली पुलिस बसंतराय पहुंची है। लड़की को अपने साथ वापस दिल्ली ले गई। रोहिणी कोर्ट में दर्ज मामले पर कार्रवाई करती पुलिस बसंतराय आई थी। लड़की की माँ ने लड़के पर लड़की को बहला फुसला कर भगाने का आरोप लगाया है, लेकिन लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की बात कही है। रोहिणी कोर्ट दिल्ली में लड़की की पेशकश की जाएगी। ओमनी और बाइक में जबरदस्त टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बताया जा रहा है कि पोड़ियाहाट की ओर से आ रही ओमनी और गोड्डा की ओर से आ रही बाइक में हरियाली के समीप जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सती स्मृति मंच की बैठक आहूत। दुमका में प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को जन्मभूमि सनोर गोड्डा एवं कर्मभूमि दुमका के ख्याति नाम साहित्यकार स्वर्गीय सतीश चंद्र झा की मनाई जाने वाली जयंती समारोह के लिए आयोजक सती स्मृति मंच की गोड्डा शाखा की बैठक रविवार को आहूत हुई। मंच के अध्यक्ष कुंदन झा की अध्यक्षता में स्थानीय नेताजी नगर स्थित मदन निवास में आहूत बैठक में लोक मंच सचिव सरजीत झा, मंच के जिला प्रभारी सुरजीत झा, नूतन झा, अधिवक्ता उदय कांत शुक्ला, ज्योति झा, कुणाल शुक्ला, गौरव शुक्ला, अमित ठाकुर आदि उपस्थित थे। बैठक में गोड्डा के साहित्यकारों की सम्मानजनक संख्या में प्रतिभागिता सहित कई बिंदु पर विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सुबह सवेरे एवं शनि परब में झूमे श्रोता। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित सुबह सवेरे के तहत शनिवार सुबह जहां साज म्यूजिकल ट्रस्ट के मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद कल्लू, मोहम्मद जावेद आदि ने अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, वहीं शाम में आयोजित शनि परब में रेनवे म्यूजिकल ग्रुप के मनीष सिंह, कौशल कुमार झा, बिट्टू, मोहन जी आदि के सुर सरिता में श्रोताओं ने खूब डुबकी लगाई। इस अवसर पर नजारत उप समाहर्ता सह जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार, संयोजक सुजीत झा, जनसंपर्क विभाग के बड़ा बाबू प्रमोद तिवारी, रवि रोशन दुबे, मोहम्मद इस्लाम, राजीव मिश्रा, मधुजी सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। Oh,
हमारे साथ ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा।